हेलो एवरीवन, आज मैं बना रही हूँ चिली पनीर विद ग्रेवी। मुझे बहुत लोगों के मैसेजेस आए थे कि मैं ये वीडियो अपलोड करूँ और ये बताऊँ कि बाज़ार जैसा टेस्ट घर पर कैसे ला सकते हैं, क्योंकि घर पर जब हम बनाते हैं तो टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट आता है और बाज़ार वाले चिली पनीर का टेस्ट डिफरेंट होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 250 ग्राम पनीर लिया है, उस पर मैं यहाँ पर कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ। कॉर्नफ्लावर, मैदा, अरारोट, जो भी है आपके पास घर पे यूज़ कर सकते हो। ऊपर कॉर्नफ्लावर डाला, साथ में टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला नमक और थोड़ी सी काली मिर्च। बस इन सब को अच्छे से हल्के हाथ से मिक्स कर लेना है ताकि ये जो कोटिंग है ये पनीर के ऊपर अच्छे से आ जाए। आप चाहो तो यहाँ पर स्लरी भी बना सकते हो, मैदे की या कॉर्नफ्लावर की, जैसे भी आपको ईजी लगता है, लेकिन मैं हमेशा यही तरीका प्रेफर करती हूँ क्योंकि इसमें वेस्टेज नहीं होती है। ये जो नमक डाला है वो हल्का सा पानी छोड़ देता है और ये जो मैदा या कॉर्नफ्लावर आप इस पर यूज़ कर रहे हो वो अच्छे से पनीर के ऊपर कोट हो जाता है, तो कुछ नहीं बचता प्लेट में, स्लरी हमेशा बच जाती है, वेस्ट जाती है। आप उसको ग्रेवी में यूज़ कर नहीं सकते हो, सो मुझे ये तरीका बेस्ट लगता है। तो इसको मैं फ्राई कर लूँगी अब मीडियम हॉट ऑयल में। गैस का फ्लेम यहाँ पर बिल्कुल मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा गर्म तेल नहीं लेना है। तो यहाँ पर मैं पनीर के पीसेस एक एक करके डालूंगी और इनको बिल्कुल हल्का सा गोल्डन होने तक तल लेना है। स्लरी में अगर आपको करना है इसको डिप, तो स्लरी ध्यान रखिएगा बहुत पतली सी बनानी है। बहुत मोटी बनाओगे तो फिर इसके ऊपर एक बहुत मोटी कोटिंग आ जाती है और जब आप पनीर को ग्रेवी में डालोगे तो वो ऊपर से परत उतर जाती है, पनीर अलग हो जाएगा और ऊपर वाली लेयर अलग हो जाएगी। मैं हमेशा यही तरीका प्रेफर करती हूँ कि इस तरह से लाइट सी कोटिंग कर लूँ पनीर की और फ्राई कर लूँ। कोई आपको पनीर की मैरिनेशन करके रखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली ज़रा सी कोटिंग करो और बस फ्राई कर लो। अब इसके बाद यहाँ पर मैं बना रही हूँ सॉसेस का मिक्सचर। 1.5 टेबल स्पून मैं यूज़ कर रही हूँ डार्क सोया सॉस। इसके लिए लाइट सोया सॉस कभी यूज़ नहीं करना है, नहीं तो कलर एग्जैक्टली नहीं आता है। हाँ, मिक्स कर सकते हो, डार्क सोया सॉस एक चम्मच ले लो और एक चम्मच लाइट सोया सॉस, लेकिन डार्क चाहिए ज़रूर। एक टेबलस्पून यहाँ पर मैं ले रही हूँ सिरका यानी कि विनेगर और साथ में एक ही टेबलस्पून चिली सॉस। ज़्यादा चिली बनाना है तो दो भी डाल सकते हो। 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैं ले रही हूँ टमाटो सॉस। ये 4 हो गई सॉसेस, समझ लीजिए ये 4 से बन गया सॉस का मिक्सचर। साथ में आधा चम्मच यहाँ पर जाएगी चीनी। मुझे ये मेथड इजी लगता है, यहाँ पर इस तरह से मिक्सचर बना के रख लो या तो फिर सारी सॉसेस को पास में रखो बिल्कुल गैस के और 1 by 1 डालते जाओ, लेकिन उसमें रिस्क रहता है सॉसेस के जलने का, तो बेटर है इस तरह से पहले मिक्सचर बना के रख लो, इजी रहता है। तो चलिए अब बनाते हैं फटाफट से चिली पनीर। सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लेके मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून बिल्कुल बारीक कटा हुआ लहसुन और उतना ही अदरक बिल्कुल बारीक कटा हुआ। इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ग्रेवी में। मैं खुद भी वैसे कटा हुआ अदरक पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन इस ग्रेवी में नहीं पता चलता। इन दोनों का टेस्ट फ्लेवर बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दिल खोल के डालना इन दोनों को और साथ में ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इसे थोड़ा सा सॉटे करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा प्याज। ये स्प्रिंग अनियन है, वाइट पार्ट लिया है मैंने उसका, तो इसको अच्छे से यहाँ पर मिक्स करने के बाद मैं थोड़ा सा इसमें धनिया भी ऐड करूँगी, क्योंकि जब स्प्रिंग अनियंस नहीं मिलते हैं मार्केट में इसीलिए, तो मैं इसमें धनिया ही ऐड करती हूँ सिर्फ। रेसिपी को लास्ट तक देखना और हो सके तो जितनी चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ सारी इसी तरीके से यूज़ करना। लास्ट में आप जब फ्लेवर देखोगे बहुत ही ऑथेंटिक फ्लेवर आएगा और खुद को शाबाशी दोगे कि ये आपने बनाया है, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। चलिए अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी वेजेस, जिसमें की है प्याज और शिमला मिर्च। एक ही प्याज और एक ही बड़ा शिमला मिर्च लेकर मैंने इस तरह से डाइसेस में उनको कट कर लिया है। अब इसको फुल फ्लेम पे आपको 1 मिनट के लिए सॉटे कर लेना है। क्रंची रखते हैं थोड़ा सा वेजिटेबल्स को, इसमें अच्छी लगती है, सो हाई फ्लेम पे इसको थोड़ा सा सॉटे कर लेना है और उसके बाद इसमें ऐड करनी है सॉसेस। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, सॉसेस ऐड करते टाइम आपको फ्लेम बिल्कुल लो कर लेना है, क्योंकि सॉस को अगर आप हाई फ्लेम पे डालोगे तो वो जल जाएगा। तो इसीलिए मैं इस तरह से पहले मिक्सचर बना के रख लेती हूँ कि सॉसेस जले नहीं। ध्यान रखना पहले गैस फ्लेम को लो करना है, उसके बाद एक एक करके सॉस ऐड करते जाओ तो सॉसेस जलेंगी नहीं।
तो मैं इस तरह से तभी सॉसेस का मिक्सचर बना के रख लेती हूँ, इजी रहता है। तो सॉस को ऐड करने के बाद 30 सेकेंड्स के लिए इसको पका लो थोड़ा सा, ताकि ये जो थोड़ा सा कच्ची स्मेल है इनमें ये चली जाए। उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी पानी, क्योंकि मैं ग्रेवी वाला बना रही हूँ चिली पनीर, तो आपको जितनी ग्रेवी चाहिए मैं यहाँ पर 1 लीटर के करीब पानी ऐड करूँगी, क्योंकि मैं इसके साथ खाने वाली हूँ राइस, तो काफ़ी सारी ग्रेवी चाहिए इसके लिए, तो मज़ा आएगा। तो पानी में जब उबाल आ जाएगा तो मैं इसमें डाल रही हूँ कॉर्न स्टार्च यानी कि अरारोट, 1 चम्मच बड़ा अरारोट ले लिया और साथ में पानी मिक्स करा, और इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाना है आपको, जिस हिसाब से आपको थिकनेस रखनी है ग्रेवी की उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ये परफेक्ट थिकनेस है जैसी मुझे चाहिए। सारा कॉर्न स्टार्च मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। अगर आपको ग्रेवी पतली चाहिए थोड़ी सी तो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। पनीर ऐड करने के बाद इसमें जाएगा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। ध्यान रखना सॉसेस पे भी नमक होता है, और पनीर फ्राई करते टाइम भी नमक डाला था, सो उस हिसाब से टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और कटा हुआ हरा प्याज। अब आप ये देखकर ये मत सोचेगा कि सब्ज़ी बन गई, चिली पनीर बन गया, नहीं, ये टेस्ट आपको बिल्कुल वैसा नहीं आएगा जैसा होटल का होता है। नहीं यकीन तो चेक करके देख लेना, इस स्टेज पे आप टेस्ट करके देखना, आपको खाते हुए पता चलेगा कि कुछ तो कहीं कमी है, फ्लेवर्स की कमी लगती है, और वो फ्लेवर्स की कमी दूर होती है चाइनीज़ सॉल्ट से, जिसको सिंपल लैंग्वेज में हम बोलते हैं अजीनोमोटो। ये चाइनीज सॉल्ट है, इसको सब ऐड करते हैं होटल में, रेस्टोरेंट में, स्ट्रीट वेंडर्स, इवन कॉन्टिनेंटल ग्रेवीज में, नूडल्स में, सूप्स में, ये सब में जाता है, क्योंकि इससे फ्लेवर्स बहुत इन्हांस हो जाते हैं, तो इसी से ऑथेंटिक टेस्ट आता है। इसको मिस नहीं करना है अगर आपको एग्जैक्टली वैसा टेस्ट चाहिए तो। इसके बाद इसको मिक्स करके 30 सेकेंड्स बाद इसको टेस्ट करके देखना, आपको पता चलेगा कितना फर्क आ जाता है टेस्ट में। अगर आप अजीनोमोटो नहीं खाते हो तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है फ्लेवर्स को एनहांस करने के लिए, वो है ये एरोमेटिक पाउडर। ऑनलाइन मिल जाएगा ये आपको इजीली, अलग अलग ब्रांड्स का मिल जाता है एरोमेटिक सीजनिंग, उससे भी ऐसा ही आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, लेकिन जो अजीनोमोटो है वो इजीली मिल जाता है किराना शॉप्स पे, ये एरोमेटिक पाउडर नहीं मिलता है। तो कुछ लोग को इशू है अजीनोमोटो से, लाइक चेस्ट बर्न का प्रॉब्लम होता है कुछ लोगों को नूडल्स खाने से या इस तरह से, तभी बोलते हैं जंक फूड ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, बाहर का खाना इतना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हर किसी को सूट नहीं करती ये चीज़ें। लेकिन मैं घर पर जब भी कोई भी चाइनीज़ या फिर इंडो चाइनीज़ क्यूजीन घर पर बनाती हूँ तो अजीनोमोटो ही यूज़ करती हूँ, मैंने एरोमेटिक पाउडर आज तक कभी यूज़ नहीं करा है। सो इट्स टोटली योर विश आपको क्या यूज़ करना है। जल्दी मिलूंगी मैं फ्राइड राइस की रेसिपी के साथ विथ 2 डिफरेंट कलर्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।